नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक करते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुपर फास्ट खबरों की ओर। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक ने रेजिडेंट डॉक्टरों से तुरंत अपनी ड्यूटी पर लौटने की अपील की ताकि रोगी देखभाल सेवाएं सामान्य हो सके। महाराष्ट्र के बदलापुर घटना को लेकर महाविकास अगाड़ी आक्रामक नजर आ रही है। विपक्ष ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया, ये एमवीए की बैठक के बाद फैसला लिया गया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा से की मुलाकात। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान जेपी नड्डा ने चंपई सोरेन और झारखंड चुनाव को लेकर चर्चा की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में डॉक्टर की बलात्कार हत्या के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने भोपाल में अपना नामांकन किया दाखिल। उनके साथ सीएम मोहन यादव भी मौजूद। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की बैठक। देश भर में पिछले 12 दिनों से चल रहे डॉक्टर के प्रोटेस्ट के कारण मरीजों को हो रहे असुविधा को लेकर ये बैठक थी। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के बाद से ही न्याय की मांग को लेकर पूरे देश में पिछले 12 दिनों से डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपना मुंबई के बांद्रा वाला आलीशान अपार्टमेंट बेच रही हैं। ये वही घर है जिसमें 2 महीने पहले ही सोनाक्षी ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल से शादी की थी। अब शादी के 2 महीने बाद ये एक्ट्रेस के इस घर को बेचने के फैसले ने फैंस को हैरान कर दिया है। दरअसल द प्रॉपर्टी स्टोर नाम के एक रियल एस्टेट इंस्टाग्राम अकाउंट ने सोनाक्षी सिन्हा के घर का वीडियो शेयर किया है। पोस्ट में लिखा है कि बांद्रा में स्थित ये लग्जरियस अपार्टमेंट 81 ओरिएंट बिल्डिंग बांद्रा रिक्लेशन में समुद्र के सामने है। 4200 स्क्वायर फुट में बना ये वॉक इन अपार्टमेंट 4BHK का, लेकिन इसे डेक के साथ एक बड़े 2BHK वाले घर में बदला जाएगा। पोस्ट में सोनाक्षी सिन्हा के इस आलिशान अपार्टमेंट की कीमत भी बताई गई है। इसके मुताबिक ये घर 25 करोड़ रुपए का है, बिकने के लिए तैयार है। सोनाक्षी सिन्हा ने खुद तो अपना घर बेचने की बात नहीं कही है, लेकिन उन्होंने इस पोस्ट को लाइक किया है। तो वहीं उनकी बेस्ट फ्रेंड हुमा कुरैशी के भाई साकिब सलीम के रिएक्शन देकर ये क्लियर किया है कि ये घर सोनाक्षी का ही है। दरअसल एक्टर साकिब सलीम ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, मैं इस बिल्डिंग को जानता हूँ। वीडियो देख कर फैंस भी दावा कर रहे हैं कि ये घर सोनाक्षी सिन्हा का ही है। एक फैन ने लिखा, ये सोनाक्षी सिन्हा का घर है, बहुत जल्दी मूव कर रही हैं। दूसरे फैन ने कमेंट किया, सोनाक्षी सिन्हा अपना घर क्यों बेच रही हैं? उन्होंने इसे कुछ समय पहले ही खरीदा था। इसके अलावा एक शख्स ने लिखा, क्या ये सोनाक्षी सिन्हा का घर नहीं है, मैंने इसे यूट्यूब पर देखा था। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूर्य ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बदलापुर के एक स्कूल में एक बच्ची के साथ कथित यौन उत्पीड़न के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड के वर्षो के लिए रवाना। पीएम मोदी पोलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर होंगे। पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचे। वो कल सुबह पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। दोपहर 1:30 बजे जम्मू के लिए रवाना हुए। 2:30 बजे जम्मू में कार्यकर्ता सम्मेलन और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। कल शाम को ही दिल्ली वापस लौटेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में से उड़ा एक ट्रेनिंग विमान लापता, जिसे खोजने के लिए सरायकेला जिले में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। जमशेदपुर प्रशासन भी तलाशी अभियान में हुए शामिल। डीसी सरायकेला रविशंकर शुक्ल ने कहा कि हमने पड़ोसी जिले
पुरुलिया पश्चिम बंगाल को भी सूचित कर दिया है। दिल्ली में आज आईएमए सभी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिवों के साथ बैठक करेगा। दिल्ली में आईएमए मुख्यालय में एक परामर्श बैठक के लिए सभी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिवों को आमंत्रित किया गया है। ये बैठक 2 बजे बुलाई गई थी। अभी पूरे देश में जिस स्थिति में डॉक्टरों का प्रोटेस्ट चल रहा है और आगे किस ओर से प्रोटेस्ट किया जाएगा, इस पर बैठक में फैसला लिया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने मोर्चा खोला। दलित संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया, तो वहीं भारत बंद को बहुजन समाज पार्टी और सपा का भी समर्थन मिल गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह एक बार फिर से मुसीबत में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 दशक से भी ज्यादा पुराने एक मामले में सुल्तानपुर की एक कोर्ट ने संजय सिंह और सपा के नेता अनूप संडा समेत कई अन्य को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। संजय सिंह समेत अन्य आरोपी पेशी पर नहीं आए थे, जिस पर अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई और स्थानीय पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। तो आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में। दरअसल आप सांसद संजय सिंह समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ 23 साल पुराने मामले में गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। इस मामले पर सुनवाई मंगलवार को होनी थी, हालांकि आरोपियों के कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने मंगलवार को स्थानीय पुलिस को सांसद संजय सिंह, सपा नेता अनूप सांडा समेत 4 अन्य को गिरफ्तार करने और 28 अगस्त तक अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है। सांसद संजय सिंह के वकील मदन सिंह ने बताया कि संजय सिंह, अनूप सांडा और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ बीते 13 अगस्त को गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, उस पर मंगलवार को सुनवाई हुई। वकील ने बताया कि संजय सिंह और सांडा की जमानत याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में दाखिल की गई है, जिस पर 22 अगस्त को सुनवाई की जाएगी। दरअसल ये पूरा मामला 19 जून 2001 का है। खराब बिजली आपूर्ति के विरोध में पूर्व सपा विधायक अनूप सांडा के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। इसमें संजय सिंह के साथ पूर्व पार्षद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार संतोष और सुभाष चौधरी ने भी हिस्सा लिया था। इसके बाद सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। विशेष न्यायाधीश योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को संजय सिंह समेत सभी 6 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 3-3 महीने कैद की सजा सुनाई थी। MPMLA कोर्ट ने बीते 9 अगस्त को 6 लोगों को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था। ऐसा न करने पर सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। ऐसी देशद्रोह की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें लाइव न्यूज दिल्ली। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।